आज मैं आपके साथ रक्षाबंधन के लिए शेयर करने वाली हूँ दो फ्लेवर वाली बर्फी। अक्सर आप इस तरीके की बर्फी मार्केट से ज़रूर लाते होंगे एंड इसका टेस्ट एकदम औसम होता है। तो बस आज घर पर बनाएंगे, बिल्कुल प्योर तरीके से, कोई मिलावट नहीं होगी और बहुत कम चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे। तो बस चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 400 ग्राम खोआ लिया है, जैसे कि मावा भी बोला जाता है। तो मैंने इसे घर पर बनाकर तैयार किया है एंड मैंने इसे कल बनाया था, तो आज मैंने इसे ग्रेट करके यूज़ किया है। एंड अगर आप ताज़ा मतलब अभी का मावा यूज़ करें तो आपको ग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जितना भी ये खोआ है इसे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ कढ़ाई में एंड अब चलाना स्टार्ट करेंगे। तो 3 से 4 मिनट में ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड फ्लेम को आपको बिल्कुल लो रखना है, वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा। एंड अगर आप बिल्कुल फ्रेश बनाकर अभी तुरंत ये वाली बर्फी बना रहे हो तो आपको ये वाला प्रोसेस बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। एंड मैंने 3/4 कप चीनी ऐड किया था, तो वो वाला स्टेप मिस हो चुका है, तो आप ज़रूर से ऐड कर लेना अपनी मिठास के अनुसार। एंड अब जितना मिक्सचर इसमें से आधा हम हटा देंगे एंड जो आधा मिक्सचर है उसमें मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 4 से 5 बड़े चम्मच इतना डेसिकेटेड कोकोनट एंड अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। सो चलिए देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट सेट हो चुका है। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ट्रे लिया बर्फी को जमाने के लिए, तो इसे हम अच्छे से घी से ग्रीस कर देंगे एंड आप चाहो तो यहाँ पर 5 मिनट पेपर भी लगा सकते हो ताकि जो बर्फी इजिली डिमोल्ड हो जाए। एंड जो ये डेसिकेटेड कोकोनट वाला लेयर था इसे हम अच्छे से यहाँ पर प्लेस कर देंगे एंड बिल्कुल अच्छे से प्लेन कर देंगे। तो चलिए देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से इसे प्लेन कर दिया है। एंड नेक्स्ट जो हमारा आधा मिक्सचर था उसमें मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कोकोया पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच इतना कोकोया पाउडर ऐड किया है, बिना चीनी वाला होता है, एंड इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो चलिए मैंने इसे मिक्स करके तैयार कर लिया है एंड जो फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर प्लेस कर देंगे एंड बिल्कुल अच्छे से इसे भी हम बराबर कर देंगे। तो चलिए देख सकते हो बिल्कुल तैयार है। पेक और इस तरीके से ज़रूर से ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो अब मैं इसे कट कर ले रही हूँ, तो पहले नॉर्मल हम निशान लगा लेंगे एंड उसके बाद कट कर लेंगे। तो आप ऐसे बनाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा एंड आप चाहो तो इस रेसिपी को मिल्क पाउडर के साथ भी बना सकते हो, मतलब पहले मिल्क पाउडर का खोआ बना लो एंड उसके बाद ये वाली रेसिपी ट्राई करो। तो चलिए अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। सो देख सकते हो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम माउथ मेल्टिंग एंड आप इसे महीने भर के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। तो बस इस तरीके से ट्राई करो एंड अपने घर वाले को खुश करो एंड इस रक्षाबंधन ज़रूर से ट्राई करना। सो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।